बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपके सामने बुक ओपन है हिस्ट्री की क्लास 7 बेस्ड ऑन सिंगर नेशनल करिकुलम 2022, जिसके फ्रंट पेज के ऊपर हमें कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही है, जिसके अंदर है टीपू सुल्तान की पिक्चर है, महमूद गजनवी की पिक्चर है, उस्मान वन की पिक्चर है और रज़िया सुल्तान की पिक्चर हमें नज़र आएगी। इस बुक के अंदर हमें 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे। इन 5 चैप्टर की वीडियो का एक लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसके अंदर हमने इन 5 चैप्टर के आंसर क्वेश्चन को बड़ी डिटेल के साथ देखा था। चैप्टर नंबर 1 है मिडिल एज इन यूरोप, यूरोप में दरमियानी उम्र 500 से 1500 ईस्वी। इस चैप्टर की रीडिंग को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम 8 या 10 मिनट की वीडियो बनाया करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास जितने पेज होंगे हम उसकी रीडिंग करेंगे। रीडिंग हम कुछ ऐसे करेंगे कि हम एक लाइन को पढ़ेंगे और साथ में इसका हम तर्जमा भी पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, तलबा के सीखने के नतज। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू, इस बाब का मतलब करने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे। एनालाइज एंड डिस्क्राइब विद एविडेंस सम ऑफ द मेन इवेंट्स पीपल एंड चेंज कवर इन द स्टडी पीरियड 500-1500 CE। मतलब की मुद्दत 500 से 1500 ईस्वी में शामिल कुछ अहम वाक्यात, लोगों और तब्दीलियों का तजिया और सबूत के साथ बयान करें। आइडेंटिफाई सम सिग्निफिकेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडिल एज इन यूरोप, डेली लाइफ, एग्रीकल्चर, ट्रेड, एजुकेशन, इन्वेंशन, रिलीजन, लिटरेचर एंड इकॉनमी ETC। यूरोप में कानून वस्ती की कुछ नुमाया खसूसियात की निशानदेही करें, मसलन रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ज़राअत, तजारत, तलीम, इजादात, मजहब, अदब और माशियत वगैरह। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ अ किंग एंड अ कोर्ट, बादशाह और दरबार का तस्वर बयान करें। आइडेंटिफाई द फेयर्स, फेस्टिवल्स, फीस्ट, हंटिंग, आर्ट, स्पोर्ट एंड गेम ETC कवर्ड इन दिस स्टडी पीरियड, मतलब की मुद्दत में शामिल मेलों, त्योहारों, दावतों, शिकार, आर्ट, खेल और खेल वगैरह की शिनाख्त करें। तो जी, हमारे पास सबसे पहले है मेन इवेंट पीपल एंड चेंज कवर इन द स्टडी पीरियड 500-1500 CE। मतलब के दौरानिया में अहम वाक़ियात, लोग और तब्दीलियाँ 500 से 1500 ईस्वी। अर्ली मिडल एज, इब्तदाई कुरूने वस्ता, द मिडल एज बिगन व्हेन जर्मेनिक ट्राइब्स पीपल फ्रॉम नॉर्थर्न यूरोप इन्वेडेड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। कुरूने वस्ता का आगाज इस वक्त हुआ जब जर्मन कबाइल शमाली यूरोप के लोगों ने रोमन एम्पायर के मगरबी हिस्से पर हमला किया। द ट्राइब्स टुक ओवर द लैंड एंड फॉर्म्ड मैनी स्मॉल किंगडम्स, और बहुत सी छोटी छोटी सल्तनतें बना ली। द इन्वेडर्स आल्सो इवेंचुअली कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी विच हैड बिकम द मेजर रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर। हमलावरों ने भी बल आकर ईसाइत इख्तियार कर ली, जो बड़ा महजब बन चुका था। द पीपल वॉज द हेड ऑफ द क्रिश्चियन चर्च, रोमन सल्तनत के पोप ईसाई चर्च के सरबराह थे। ही एंड अदर चर्च लीडर्स बिकेम वेरी पावरफुल, फ्यू पीपल आउटसाइड द चर्च कुड रीड और राइट ड्यूरिंग द अर्ली मिडल एज। चर्च के लोग इब्तदाई कुरूने वस्ता के दौरान पढ़ या लिख सकते थे। रिलीजियस कम्युनिटी कॉल्ड मॉन्स्ट्रीज वर्क सेंटर्स ऑफ लर्निंग, खानकाह कहलाने वाली मजहबी जमातें सीखने के मराकज थी। मैनोलिज्म बिकेम द चीफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ यूरोप, जागीरदारी यूरोप का माशी निज़ाम बन गया। मोस्ट ऑफ द लैंड्स वर ओन्ड बाय द वेल्थी लॉर्ड्स, ज़्यादातर ज़मीनें अमीरों की मलकियत थी। पीसेंट्स डिपेंड ऑन द लॉर्ड फॉर प्रोटेक्शन, किसान तहफ्फुज के लिए रब पर इंसार करते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल किंग ऑफ दिस पीरियड वाज चार्ली मैग्ने, इस दौर का सबसे कामयाब बादशाह चार्ली मैन था। ही रूल्ड द फ्रैंक्स इन द रिलीजन, डेट इज इसने इस खिते में फरकिनों पर हुकूमत की, नो फ्रांस एंड जर्मनी। द पीपल क्राउड चार्ली मैग्ने एम्पायर ऑफ द रोमन इन 8th century CE। पोप ने 8वीं सदी ईस्वी में रोमियों के शहनशाह शार्लीमैन का ताज पहनाया। हाउएवर हिज हेयर्स वर टू वीक टू रन द एम्पायर, तहम इसके वरासा सल्तनत चलाने के लिए बहुत कमज़ोर थे।
इट लेटर कार द होली रोमन एम्पायर इन वन पीस, इसे बाद में एक ही टुकड़े में होली रोमन एम्पायर कहा गया। नेक्स्ट है जी, डू यू नो चार्ली मैगन वाज अ लीडर ऑफ द किंगडम ऑफ द फ्रैंक्स, चार्लीमैन फ्रैंक्स के बादशाही का रहनुमा था। ही यूनाइटेड मैनी ऑफ द क्रिश्चियन लैंड्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द मिडल एज, इसने कुरुण अवस्था के दौरान मगरबी यूरोप की बहुत सी ईसाई सरजमीनों को मुस्तद किया। ही वॉज डिक्लेयर द एम्पायर, इसे शहनशाह कहा गया। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, वो एक अजीम जंगजू थे। हिज नेम मीन्स चार्लिस द ग्रेट, इसका मतलब चार्लिस अजीम है। द फ्रैंक्स वार अ ग्रुप ऑफ पीपल वो लिव इन यूरोप मोर देन 1000 ईयर अगो, फ्रैंक इन लोगों का एक ग्रोह था जो 1000 साल पहले यूरोप में रहते थे। द कंट्री ऑफ फ्रांस वॉज नेम आफ्टर देम, फ्रांक का मुल्क इनके नाम पर रखा गया। फ्रॉम द 8th सेंचुरी सीई टू द 10th सेंचुरी सीई विकिंग इन्वेडर्स अटैक मैनी पार्ट्स ऑफ द यूरोप, 8वीं सदी ईस्वी से लेकर 10वीं सदी ईस्वी तक वाकिंग हमलावरों ने यूरोप के कई हिस्सों पर हमला किया। द विकिंग्स केम फ्रॉम व्हाट आर नो डेनमार्क नॉर्वे एंड स्वीडन, विंकिस यहाँ से आए थे जो अब है डेनमार्क नॉर्वे और स्वीडन। दे मेड ट्रबल ऑफ मैनी रूलर्स, इन्होंने बहुत से हुक्मरानों के लिए मुसीबतें खड़ी की। नेक्स्ट डू यू नो द विकिंग्स वर वॉरियर्स फ्रॉम द नॉर्थन यूरोप, विकिंग्स शुमाली यूरोप के जंगजू थे। दे वर आल्सो नोन एज नॉर्समैन ऑफ नॉर्थ मैन, इन्हें नूरसीमन या नॉर्थ मैन भी कहा जाता है। दे सेलिड द सी फ्रॉम द लेट 7th सेंचुरी सी टू 10th सेंचुरी सी, उन्होंने 7वीं सदी ईस्वी के आखिर से 10वीं सदी ईस्वी तक समंदर में सफर किया। दे अटैक्ड मैनी कंट्रीज एंड टुक अवे मच ट्रेशर, उन्होंने कई ममालक पर हमला करके बहुत सा खजाना लूट लिया। देयर नॉर्थर्न यूरोप नेबर्स गेव देम द नेम ऑफ विकिंग्स विच मीन्स पीरेट, इनके शुमाली यूरोपी पड़ोसियों ने इन्हें विकिंग्स का नाम दिया जिसका मतलब है बहरी कजाक। ड्यूरिंग द 10th सेंचुरी सी फ्रांस डिवेलप द फीडल सिस्टम टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, 10वीं सदी के दौरान फ्रांस ने तहफ़ फ्राहम करने के लिए जागीरदाराना निज़ाम तैयार किया। लैंडर्स कार्ड लॉर्ड्स बिल्ट कास्टल्स, जागीरदार कहलाते हैं किले बनाए। दे गेव लैंड टू फॉलोअर्स कार्ड नाइट, उन्होंने पैरोकारों को जमीन दी जिसे नाइट कहते हैं। इन रिटर्न द लॉर्ड्स कॉल ऑन द नाइट्स टू डिफेंड देम इन बैटल, बदले में लॉर्ड ने जंग में इनका दफा करने के लिए शरीरों को बुलाया। पीपल कार सर्फ वर फोर्स टू फॉर्म द लैंड्स, जिन लोगों को सर्फ कहा जाता था वो जमीन पर काश्तकारी करने पर मजबूर थे। सर्फ वर नॉट मच बेटर ऑफ द स्लेव ऑफ देन स्लेव्स, गुलाम गुलामों से ज्यादा बदतर नहीं थे। लेटर मिडल्स एज, बाद में मिडल कंडीशंस इम्प्रूव इन 11th सेंचुरी सी, हालात 11वीं सदी ईस्वी में साबित हुए। पीपल लर्न टू ग्रो मोर न्यूट्रीनियस फूड, लोगों ने मजीद गजाइत से भरपूर खुराक उगाना सीखा। हेल्थ इम्प्रूव एंड द पॉपुलेशन ग्रो, सेहत बेहतर हुई और आबादी में इजाफा हुआ। टाउन्स आल्सो ग्रो एंड ट्रेड इंक्रीज, शहर भी बढ़े तजारत भी बढ़ी। किंग हेनरी टू ऑफ इंग्लैंड एंड किंग लुईस 9 ऑफ फ्रांस फोर्स फ्यूडल लॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी सी एंड 12th सेंचुरी सी। इंग्लैंड के बादशाह हेनरी दोम और फ्रांस के बादशाह लुईस 9 ने 11वीं सदी ईस्वी और 12वीं सदी ईस्वी के दौरान जागीरदारों को अपना इख्तियार कबूल करने पर मजबूर किया। यूरोपियंस डिवेलप द गोथिक स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यूरोपियों ने गोथिक तर्ज के फन और फन तमीर को तैयार किया। क्रिश्चियंस बिल्ड स्टेटली कैथेड्रल्स ऑफ स्टोन विद टॉल टावर्स एंड स्टेन ग्लास, ईसाइयों ने लंबे मीनारों और दागदार शीशों के साथ पत्थर के शानदार कैथेड्रल्स बनाए। नॉर्थ डेम बिल्डिंग इन पेरिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ गोथिक कैथेड्रल, पेरिस में नोट्री डेम की इमारत गोथिक कैथेड्रल की एक अच्छी मिसाल है। देयर वॉज ऑल्सो अ रैबिट ऑफ लर्निंग, सीखने का दोबारा जन्म भी था। द फर्स्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी वार फाउंडेड इन बोलोगना इटली पेरिस फ्रांस एंड अदर सिटीज, पहली यूरोपीय यूनिवर्सिटियाँ बोलोगना इटली पेरिस फ्रांस और दीगर शहरों में कायम की गई।
between 1095C and 1291C, Christian king and knights from all over Europe participated. 1095 ईस्वी और 1291 ईस्वी के दौरान यूरोप भर से ईसाई बादशाह और शोराओं ने शिरकत की. किंग हेनरी टू ऑफ इंग्लैंड, किंग लुई ऑफ नाइन ऑफ फ्रांस. इन अ सीरीज ऑफ क्रॉस डेज इन द मिडल ईस्ट, दे फाउट अगेंस्ट द मुस्लिम फॉर कंट्रोल ऑफ प्लेसेस द क्रिश्चियंस कंसीडर्स टू बी होली. मशरकी वस्ती में सलीबी जंगों के एक सिलसिले में उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ इन जगहों के कंट्रोल के लिए जंग की, जिन्हें ईसाई मुकदस समझते थे. द मंगोल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय चिंगेज खान इन 1206 CE. मंगोल सल्तनत की बुनियाद चंगेज खान ने 1206 ईस्वी में रखी थी. द मंगोल्स कंक्वर्ड ऑलमोस्ट होल ऑफ रशिया, पोलैंड, हंगरी, यूक्रेन, मालदीव ETC. मंगोलों ने तकरीबन पूरा रूस, पोलैंड, हंगरी, यूक्रेन, मालदीव वगैरह को फतह कर लिया. द राइज ऑफ मंगोल चेंज द होल स्कैंडिनेविया इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप. मंगोलों ने मशरकी और वस्ती यूरोप का सारा निज़ाम बदल दिया. किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड साइन द मैग्ना कार्टा इन 1215 CE. द डॉक्यूमेंट स्टार्टेड दैट द किंग वाज नॉट अबव द लॉ, थस इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल. इंग्लैंड के बादशाह जॉन ने 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा पर दस्तखत किए थे. दस्तावेज शुरू हुई के बादशाह कानून से बलातर नहीं, इस तरह इसने अवाम के हकूक का तहफ़ किया. ये तो आज के वीडियो के अंदर हमने पेज नंबर 6 तक हमने कंप्लीट किया. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेज नंबर 6 से आगे स्टार्ट करेंगे. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी कीजिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक रहते हैं इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.